हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीलास किचन में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्ज़ा। पिज्ज़ा का डो भी घर पे ही बनाएंगे यीस्ट यूज करके और ओवन में, बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पिज्ज़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। पिज्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना यीस्ट राइज करने के लिए यहाँ पे लेते हैं एक कप वार्म वाटर। इतना पानी गर्म होना चाहिए जिसमें आप अपनी उंगली आराम से डिप कर सकें। अब हम इसमें मिलाएंगे एक चम्मच चीनी, इससे यीस्ट राइज होती है बहुत अच्छे से। उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमने अच्छे से चीनी को मिक्स कर लिया है गर्म पानी में और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच ड्राई यीस्ट। ये बहुत ईजिली अवेलेबल होती है मार्केट में। अब हम इसे ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए। पिज़्ज़ा का डो लगाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम मैदा, जो कि कप से मेज़र करें तो 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। यीस्ट हमारा राइज हो गया है, ये देखिए बहुत अच्छे से राइज हुआ है। अगर आपका यीस्ट राइज ना हो तो उसे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अब यीस्ट डालकर हम इसे अच्छा से डो लगाएंगे। डो नरम ही लगाना है, इसे कड़क नहीं लगाते हैं। इसमें हमें एक्स्ट्रा पानी जो यूज़ करेंगे वो थोड़ा सा वार्म वाटर यूज़ करें, ज़्यादा गर्म भी नहीं हो, ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। अच्छे से इसको नीट करेंगे, चारों तरफ से मत कर, इससे बढ़िया से डो लगाना है, नरम डो। इसे 2 से 3 मिनट तक हम इसी तरह मथेंगे। ये हमारा डो तैयार हो गया है, इसे 3 मिनट मैंने मथा है इसी तरह से। अब हम इसमें ऑयल लगा देंगे और इसे ढककर रखेंगे आधा घंटा के लिए। आधा घंटा हो गया है, अब हम देखते हैं, चेक करते हैं अपने डो को। बहुत ही अच्छे से फर्मेंटेशन होके आया है। ये देखिए डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। इसे थोड़ी सी देर के लिए नीट करेंगे इसी तरह से और अब हम इसके लोइए निकालेंगे, जैसे हम रोटी के लोइए निकालते हैं उसी तरह से। बस इसकी लोई हमें थोड़ी सी मोटी निकालनी है। अगर आपको थिन क्रस्ट पसंद है तो आप इसका छोटा भी लोइया निकाल सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी सूखा मैदा, डालकर इसके एक रोलिंग पिन की सहायता से इसे गोल बेल लेंगे। इसमें मैंने लगा दिया ऊपर से बटर और बटर वाली साइड हम डालेंगे बेकिंग ट्रेन टिन में। ये बेकिंग टिन में मैंने डाल दिया है इसे और अब लगाएंगे इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस को चारों तरफ इवनली स्प्रेड करेंगे। अब हम लगाएंगे इसमें चीज़ सॉस। अगर आपके पास चीज़ सॉस अवेलेबल नहीं हो तो आप घर में वाइट सॉस बनाकर उसे भी लगा सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। चीज़ सॉस बनाना बहुत ही आसान है। हल्का सा मैदा आप सेक लीजिए बटर में और फिर इसमें दूध डालकर तैयार हो जाता है इस तरह हमारा चीज़ सॉस। इसे इवनली स्प्रेड कर दिया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे सब्जियाँ अपनी, प्याज या ऑनियन मैंने काट लिए हैं बड़ा बड़े टुकड़ों में। इसे चारों तरफ लगाएंगे। अब हम लगाएंगे टमाटर। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी लगा सकते हैं। आप इसमें ऑलिव, यहाँ पे मैंने लगाई है शिमला मिर्च और साथ में पनीर। पनीर को अगर आप चाहें तो रोस्ट करके भी लगा सकते हैं। तैयार है हमारा पिज़्ज़ा बेकिंग होने के लिए। अब इसमें हम डालेंगे मोज़रेला चीज़ सबसे लास्ट में।
माइक्रोवेव को मैंने प्रीहीट कर रखा है। अब हम इसे बेकिंग टिन को डालेंगे माइक्रोवेव में 180 डिग्री सेंटीग्रेड में। इसमें हम प्रीहीट किया हुआ है हमारा ओवन, इसे 10 मिनट के लिए बेक करना है हमें कन्वेक्शन मोड पे। ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से बनकर आया है हमारा पिज्ज़ा, बिल्कुल रेडी है और एकदम परफेक्ट बना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड फैमिलीज़ के साथ, ताकि उन्हें भी ऐसी मज़ेदार डिशेस बनाने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।